सुपर फोर का मुकाबला शुरू हो चुका है एशिया कप में। और बता दें कि एशिया कप में सुपर फोर के पहले ही मुकाबले में नंबर वन टीम बन चुकी है पाकिस्तान की टीम। यहाँ दोस्तों पूरे पॉइंट टेबल का बात करेंगे, सुपर फोर का क्या है इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबरें लाते रहते हैं। तो बात करें एशिया कप 2023 का, जो पहला सुपर फोर का मुकाबला खेला गया है पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच में। और बता दें कि यह मुकाबला जो कि हुआ था लाहौर में, और बता दें कि यह मुकाबला में पाकिस्तान का पूरी तरह से एक तरफा से दबदबा रहा। बता दें सबसे पहले गेंदबाजी में कमाल का परफॉर्मेंस किया पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिश रऊफ हो या फिर नसीम शाह या फिर शाहीन शाह अफरीदी, बांग्लादेशी बल्लेबाजों का कमर तोड़ कर रख दिया था इस मुकाबले में। और फिर बात बल्लेबाजी की आई तो उसमें कमाल का परफॉर्मेंस किया इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान। बता दें कि बाबर आजम और फकर जमान फेल हो चुके थे, लेकिन इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान ने पारी को संभाला और इसके बाद कोई झटका नहीं लगने दिया और एक बेहतरीन जीत दिलाई पाकिस्तान को। और बात करें पॉइंट टेबल का सुपर फोर का, तो दोस्तों बता दें कि नंबर एक पर है पाकिस्तान, एक मुकाबला खेला है वह मुकाबला जीता है और पॉइंट से दो। वहीं बता दें कि नेट रन रेट इनका है 1.051, बेहतरीन नेट रन रेट है सुपर फोर में। वहीं बात करें नंबर दो पर है इंडिया, जो कि अभी एक भी मुकाबला नहीं खेला है और पॉइंट्स भी जीरो। वहीं बता दें कि नंबर तीन पर है श्रीलंका, जो कि एक भी अभी मुकाबला नहीं खेला है और पॉइंट्स है जीरो। लेकिन नंबर चार पर है बांग्लादेश, जो कि एक मुकाबला खेला है, एक हार गया और पॉइंट से जीरो। और इनका नेट रन रेट बात करें तो -0.51 है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही खराब नेट रन रेट है, क्योंकि बेहद ही बड़ी हार मिली है बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश वापसी कर पाएगा सुपर फोर में या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।